पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज पूरे भारतवर्ष में 74वां गणतंत्र दिवस बहुत ही जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यही वो दिन है जब हमने अंग्रेजों के चंगुल से पूरी तरह आजादी पाई और उसके बाद 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत पूर्ण रूप से एक गणतंत्र देश बना। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जहां पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ खुशी का माहौल रहा, तो वहीं मुरादाबाद में भी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन करके गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो वहीं बाल निकेतन स्कूल में भी नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा गायन किया गया। बच्चों ने आने वाले कल की तुम तस्वीर हो बड़ी ही मनमोहक प्रस्तुति दी। स्कूल में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में भी हवन किया गया और स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों को प्रसाद वितरण भी किया गया। बच्चों ने आने वाले कल की तुम तस्वीर को गाकर ये मैसेज देने का प्रयास किया कि देश का भविष्य आप हो और आगे चलकर आप देश को आगे बढ़ाना है। मेरा शुभ नाम है श्रीमती ममता सक्सेना और मैं बाल निकेतन में प्रिंसिपल शिप पे हूँ। अच्छा, आज स्कूल में क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? आज स्कूल में हमारे बाल निकेतन स्कूल में रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी दोनों ही का उत्सव मनाया गया है। हमारा जो 74वां गणतंत्र दिवस है वो मनाया गया और उसमें बच्चों ने बहुत हर्षोल्लास से बहुत जोश के साथ भाग लिया। एक बहुत छोटी बच्ची है जिसका नाम है, जो UKG की बच्ची है, उसने बहुत ही सुंदर एक गाने की परफॉर्मेंस दी थी। हमारे बड़े बच्चों ने भी सिंगिंग की थी, डांस भी किए थे और बसंत पंचमी पे हमारे स्कूल में हवन का आयोजन किया गया था। हवन जो है हो गया है, प्रसाद वितरण हुआ है, हलवा है, चावल, मीठे चावल बनवाए गए हैं, सभी बच्चों को दिलवाए गए हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।